मैम, सीएओ को लेकर क्या कहती हैं आप? क्योंकि चुनाव का माहौल है और जनता के पास हम लोगों को समझाने के और बताने के बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, एमएसपी का मुद्दा हो, चाहे वो युवाओं की रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो। सीए जैसे जो ये इस जो लागू किया गया एकदम एंड मौके पे, तो जनता समझ रही है कि यह चुनाव से डिफ्लेक्ट करने के लिए या लोगों का ध्यान हटाने के लिए मेन मुद्दों से, इसीलिए सीए का मुद्दा है। मैम, हम इसलिए कह रहे हैं कि ये नागरिकता देने का कानून है, लेकिन समाजवादी पार्टी और विपक्ष पर लाने का अच्छा नागरिकता देने का ये कानून है, बहुत अच्छा है। और अमित शाह जी ऑलरेडी इस पे पहले बोल चुके हैं, बहुत ज्ञान दे चुके हैं, और मुझे लगता है कि अब लोगों को एक ज्ञान प्राप्त हो चुका है। अब चुनाव का सीजन है, अब चुनाव में जो मूलभूत जो मुद्दे हैं उन पे ध्यान देने। मैनपुरी लोकसभा चुनाव में अगर भाजपा केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव में उतारती है तो समाजवादी पार्टी किस तरह की फाइट दे पाएगी, क्या लगता है? तो समाजवादी पार्टी मैनपुरी में बहुत स्ट्रांग रही है और हमेशा रहेगी, क्योंकि समाजवादी का जो बेसिक जो हमेशा से समर्पित रही है मैनपुरी सीट के प्रति, और हमेशा से विकास के काम को ही हमेशा आगे लेके गई है, और जो सही है समाजवादी पार्टी हमेशा उन्हीं के साथ खड़ी दिखाई दी है। तो मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी मैनपुरी में बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। बैलेट पेपर और वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को समाजवादी पार्टी ने यह बात कही है कि बैलेट पेपर एक माध्यम होना चाहिए जहाँ पे लोगों को एक तरह का भरोसा होता है कि वो अपना वोट कास्ट करके आए हैं, डालकर आए हैं, और उसमें कोई चीटिंग नहीं हो सकती है। तो लोगों के अगर मन में कोई शंका है तो मैं समझती हूँ सभी देश, दुनिया के जितने भी देश हैं, सभी बैलेट पेपर के माध्यम से ही चुनाव करते हैं, चाहे वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो चाइना हो, सब बैलेट पेपर के माध्यम से ही चुनाव हो रहे हैं। तो खाली भारत ही एक ऐसा देश क्यों बचे जहाँ पे अभी भी ईवीएम का प्रयोग हो रहा है, जब लोग मन में मंशाएं हैं। तो मैं समझती हूँ सरकार को और सभी मशीनरीज को इस मंशाओं को दूर करके बैलेट पेपर से चुनाव। 7 सीटें इंडिया गठबंधन को दिखाई जा रही है, आपको क्या लग रहा है? जो सर्वेस जो ज्यादातर होते हैं बीजेपी स्पॉन्सर्ड सर्वेस ही होते हैं, जिस तरह हमको देखने को मिला है बॉन्ड, जो बॉन्ड वाला जो मसला आया है और जो चिंता इतना मिला है बड़ी बड़ी पार्टियों को, तो मैं समझती हूँ इस तरह के सर्विस का कोई अभी कोई औचित्य नहीं। बदायूं सीट को लेकर मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है कि बदायूं सीट पे चाचा शिवपाल चुनाव लड़ रहे हैं चाचा जी, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है कि वहाँ चाचा भतीजे की लड़ाई छिड़ी हुई है। मैं समझती हूँ कि आदरणीय शिवपाल जी का जो कैंडिडेचर है बहुत दिनों पहले ही घोषित हो गया था, तो उस टाइम उन्होंने ट्वीट नहीं किया, जब मैदान पे है आदरणीय शिवपाल जी और मजबूती के साथ जो लड़ रहे हैं चुनाव, और जो सीट निकल के आने वाली है भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी ये सीट जीत रही है, तो कहीं ना कहीं खलबली मची है। आपकी सूचना आ रही है सभा में शामिल हो सकती है, आप स्वागत करेंगे? अगर राष्ट्रीय नेतृत्व इस तरह कोई फैसला लेता है तो हम राष्ट्रीय नेतृत्व का पूरा साथ स्वागत। आरबीआई ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को जो है सार्वजनिक मैं समझती हूँ अभी और भी उसमें जो चीजें रह गई हैं, जो जो उसका जो आइडेंटिटी कोड जो होता है, तो वो संख्या जो होती है वो भी नहीं आई है। मंडे को कोर्ट ने कहा है कि इसकी भी सूची SBI दे।